तो किससे पहले मुलाकात हुई थी यमुना से या सजल से? एंड टेल मी हाउ व्हाट इंसिडेंट्स, बताएं क्या हुआ था, मिले क्या? अच्छा, इनमें से पहले मिल चुके थे आप दोनों से किसी से, या ये सेट पे ही पहले मुलाकात हुई? यमुना जी से आई हैड नॉट मेट बिफोर, सजल आई न्यू फ्रॉम बिफोर बट वी हैड नॉट वर्क टुगेदर और एनीथिंग, सोशली मिले थे एक दो दफ़ा, बट मेरा पहला जो था इट वॉज़ विद यमुना एंड इट वॉज़ फनी क्योंकि होता ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूँ क्योंकि मुझे पता था हमारी स्क्रिप्ट में नहीं बननी कोई 20 एपिसोड तक एंड वो एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं. मुझे याद है पहले 3 दिन मैंने बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की ना, कि मतलब जब सब बैठे हुए हैं कि क्या हाल है, वो मुझसे बात ना करें, सबसे अच्छे से बात करें, मुझसे बात ना करें. एंड आई वॉज अ बिट लाइक, अच्छा तो मैंने क्या किया मतलब. फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैरेक्टर में रहना चाह रही थी या उनका जो भी मेथड है, तरीका है. तो दैट इज़ व्हाट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद. फिर बाद में ऑब्वियसली चीज़ें, थिंग्स गॉट ओके एंड शी इज़ अमेजिंग. एंड देन द सेम थिंग विद सजल जी, व्हेन वी फर्स्ट मेट, तो ऑब्वियसली शी इज़ समबडी हु सरप्राइज्ड मी अ लॉट क्योंकि वो अपने काम को इतना एक तरीके से, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली टैलेंट इतना ज़्यादा है दैट देर इज़ नो प्रिटेंशियसनेस एट ऑल. वो आपको 2 मिनट लगे आपसे बात कर रही होंगी और अगले सेकंड शी विल बी एबल टू फुली गेट इनटू हर कैरेक्टर एंड फुली डू द सीन, तो आप परेशान हो जाते हैं. आपको बोलता है शुरू में, आवाज़ देख ये भी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, इनसे भी 4 गलतियाँ होने वाली हैं, मुझे अपनी लाइन नहीं सही से याद, क्या फ़र्क पड़ेगा. अब जैसे कैमरा रोल हुआ, सारी लाइनें याद, सब कुछ याद, सारे क्यूज याद, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ फेस करना है. अच्छा, ओ ये तो मेरे साथ भंडू है. अच्छा, बिकॉज शी वॉज दैट प्रिपेयर्ड. मुझे बहुत इस तरह याद है, मैं इतना रिलैक्स हो गया था ना, क्योंकि आई वॉज लाइक वो भी चाय पी रही हैं, अपने फ़ोन पर बात कर रही हैं, आराम से शी इज़ गोइंग टू यू नो ऑल्सो टेक सम टाइम. बट लकीली वो ऐसा हुआ नहीं, मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है. एंड फिर मुझे अपने जाके ना रात को चीज़ें स्क्रिप्ट में सारी याद करनी पड़ी अगले दिन की वजह से. बिल्कुल, जब ड्रामा शुरू हुआ तो काफ़ी बैशिंग आई, काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आई. आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी इस तरह की, या बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, या एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन बैशिंग जो आई वो बहुत ज़्यादा आई? क्या सिचुएशन थी एंड ऑनेस्टली हाउ डिड यू डील विद दैट? इट फेल्ट बैड एट वन पॉइंट बिकॉज मैं आपको एक रिहर्स जवाब तो जरूर दे सकता हूँ कि नहीं मतलब इट डिड फील बैड बिकॉज एंड व्हाट फेल्ट बैड वाजंट, सच बोलूँ, गैर लोग जिनको आप जानते नहीं आपके बारे में बुराइयाँ करें ना, वो इतना कोई, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके करीब होते हैं और उनको लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, तो जब उनको मौका मिलता है तो वो एक मजीद रीअश्योरेंस मिलती है, तो वो कहते हैं देखा, समझ रहे ना. सो दैट फॉर मी इट डिड हर्ट इट, लेकिन मैंने ये कभी भी खुद को क्वेश्चन नहीं किया कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये यकीन ज़रूर था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह में डाला है तो किसी वजह से डाला है, चाहे सीखने के लिए डाला हो, चाहे कुछ और करने के लिए डाला हो, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मुझे इस जगह में डाला है. और देन द ट्रूथ इज़ कि जहाँ बैशिंग की बात आती है, मैं इस इंडस्ट्री का बच्चा हूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, उनमें से कई सीनियर एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन के पास मेरे साथ वो रिलेशनशिप है और बैरियर नहीं है कि वो मुझे फ़ोन करके मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं और मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, और वो उनको पता है कि हम अजान के साथ ये बात हो सकती है. तो जहाँ मैंने सही किया था, मुझे वो मैसेज या कॉल आई थी कि हमने देखा तुमने अच्छा किया. जहाँ मैंने गलत किया था, मुझे वो भी कॉल आई. तो वो जो लोग थे मुझे, एंड दे वर मेनी, लोगों ने गाइड भी किया कि ये तुम्हें करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आई अप्रिशिएटेड दैट. एंड आई नो कि जिन्होंने मेरे साथ मुझे एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्टिवली बताना है ना, वो मुझे बताएंगे. मैं कभी इस गलतफहमी में नहीं बैठा था कि या तो नहीं 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 सब झूठ बोल रहे हैं और असली में यू नो, या बैशिंग नहीं हो रही है यू नो, उसको डिलूजन में कभी भी नहीं गया. लेकिन जहाँ तक बात आई, ऑब्वियसली आई न्यू टू अ सर्टेन डिग्री कि बैशिंग आएगी. जो लोग आज तक
चीज़ें बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई एम श्योर उनका भी कोई नज़रिया होगा एंड सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ. जिन लोगों को अच्छा लग रहा हूँ थैंक यू, मतलब सो आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. आई ना ही तो मैं ये लेके बैठता हूँ कि जी मैं सिर्फ अब यूँ काम करूँगा जिसकी बैशिंग नहीं आएगी. मतलब मैं अपना काम करूँगा, आपको अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट डीपली इफेक्टेड मी, बिकॉज मैंने उसके कॉन्स्टेंट चेंजेस देखे. मैंने देखे कि जी एक हफ्ता अजान बहुत बुरा है, एक हफ्ता अजान बहुत अच्छा है, एक यू नो आई नोटिस दैट एंड इट वाज पोलराइजिंग, मतलब एक्सट्रीम्स था. मतलब ये भी नहीं था कि मतलब काइंड ऑफ, मतलब इट वाज, सो व्हेन आई सॉ दैट आई वाज हैप्पी कि अगर उसमें अजान पे हो रहा है, अजलान पे हो रहा है, जो भी एक्सट्रीम रिएक्शन आ रहा है, एक्सट्रीम रिएक्शन अच्छी चीज़ होती है, उसका कोई नतीजा होता है, आपने कुछ हिलाया तो है. सो फॉर मी दैट इज व्हाट मैटर्स मोर देन एनीथिंग. किस चीज़ पे सब ज़्यादा बात आ रही थी, आपकी परफॉर्मेंस पे या इस बात पे कि आपके फैमिली कनेक्शंस एंड नेपोटिज्म पे बात आ रही थी, विच किसने ज़्यादा जाके आपको टच किया? देखिए आई नो हु सना आई एम, मतलब वो कहने से इट डजंट चेंज. उस वक्त आपको अफसोस हुआ कि मेरी एबिलिटीज को अंडरमाइन करें या मुझे एक फेयर चांस नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ माई कनेक्शन, एटलीस्ट एक फेयर चांस तो दिया जाए, ये थॉट मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद मैं ये सोचती. जब हमारे बाकी प्रोफेशंस में ये बात आती है तो वहाँ पर भी सवाल उठता है. मैंने कुछ एक्ट्रेस को ये कहते हुए सुना है कि अगर मैं फलाने का बेटा होता तो कोई कुछ नहीं कहता. नहीं, बिल्कुल कहते. आप नर्स नहीं हैं तो आपको नहीं पता कि नर्सेज क्या बोलती होंगी कि अगर एक बड़े डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन के उसकी ओहदे पर आ जाए. एक मेरे जो नाना थे वो वकील थे, तो जब मेरी खाला वकील बनी तो जो लॉयर कम्युनिटी थी, इमीडिएट असम्पशन आया था कि उनकी कुर्सी वही लेंगी और हमारी मेहनत खड्डे में गई. आपको ये बात सुनने को नहीं मिलती क्योंकि मे बी लीगल इंडस्ट्री इस तरह की नहीं है जो इतनी पब्लिक में of उसके course, जो इनर yeah. वर्किंग्स हैं आपको सुनाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये बात होती है. सिर्फ फ़र्क ये है कि इन माय केस आई हैव बीन वर्किंग नाउ फॉर सेवरल इयर्स एंड मुझे पता है कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द वर्क आई डू. आज अगर मुझे स्पेशली इस वक्त जहाँ मुझे एक सुकून महसूस होता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जो आज मुझे स्क्रिप्ट्स या प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है वो मेरे वालदेन की वजह से अब नहीं चल रही. लोग मुझे मे भी जानते होंगे उस वजह से, लेकिन ये एक बहुत महंगा प्रोफेशन है. इस प्रोफेशन में कई लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं जो मेरे नहीं हैं. वो उनके अपने चैनल हैं और वो उनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो उन और वो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो ये उनके ऊपर है. अगर वो मुझे लेना चाहेंगे तो सौ बिस्मिल्लाह, मैं अपनी 100% मेहनत करके वो करना चाहूँगा. और अगर नहीं लेना चाहेंगे तो वो भी उनकी कोई लॉजिकल रीज़न होगी. ये ज़रूर नहीं होगी कि जी हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये उसका बेटा है बेटी है, और ये इसलिए लेंगे क्योंकि है. मे बी पहली बार हुआ हो, मे बी जब इश्किला में मेरी कास्टिंग हुई हो तो इट माइट हैव बीन मोर कम्फर्टेबल फॉर देम टू वर्क विद मी बिकॉज एक जान पहचान है. कि अच्छा, मतलब जब मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, मैंने प्रोड्यूसर से ख़ुद पूछा है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं. मैं प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में अपना स्पीकर लेके जाके, जब मेरे कोई गाने नहीं रिलीज़ हुए थे, मैंने सुनाए हैं कि आपने मेरा म्यूज़िक कभी नहीं सुना, आप अपनी 10-12-15 करोड़ रुपये की फिल्म मेरे कंधों पर डाल रहे हैं, आपने मेरा कभी म्यूज़िक नहीं सुना, आप पहले सुन लीजिए. फिर मैंने उनको बैठ के अपने सारे गाने सुनाए, ठीक है, आफ्टर दे हैड आस्क्ड मी टू डू इट. बट आई फील कि वो जो कम्फर्ट जोन है वो मे बी मेरे वालदेन की वजह से, मे बी उनको कोई चीज़ नज़र आई हो जो मुझे ना पता हो. बट लकली टुडे चाहे वो मुझे कम काम मिले ज़्यादा काम मिले, वो मेरी काबिलियत की बुनियाद पर है. एंड मुझे ये भी पता है कि मुझे कल नहीं मिलेगा. अगर मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट में अपना जो भी 100% आप कहें वो ना दिया हो, सो द नेपोटिज्म कॉन्वर्सेशन डजेंट बॉदर मी मच एनी मोर. As long as I am working hard, I know कि मुझे अगर मेरे दिल में खोट होती और मैं मेहनत नहीं कर रहा होता और मैं अपने कैरेक्टर्स को वो मैं उस आप कुर्सी कह लें या वो जगह कह लें उसको उतनी अहमियत नहीं देता,
तो मे बी मैं इस बात से मुझे बात बुरी लगती है. क्या मुझे इसका एहसास है कि मुझसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं? बिल्कुल हैं. क्या मुझे एहसास है कि मे बी उनके पास ज़रिए नहीं है वहाँ तक पहुँचने के? बिल्कुल हैं. क्या मेरी ज़ात से उनको किसी तरीके से मदद हो सकती है? मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर, लेकिन दैट डजंट बॉदर मी.